नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की क्राइम से जुड़े बुलेटिन का। शीना बोरा केस में इंद्राणी ने किया दोषियों के कपड़े पहनने से इनकार, कोर्ट में की अपील। शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी और जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ने अदालत का रुख किया है। इंद्राणी ने जेल में दोषियों वाले कपड़े पहनने से इनकार कर दिया है। इंद्राणी की दलील है कि उसका केस अभी ट्रायल में ही है, ऐसे में वो ये कपड़े नहीं पहन सकती है। इंद्राणी की अपील पर अदालत ने बायकुला जेल से जवाब देने को कहा है। बता दें कि अब इस मामले पर सुनवाई 5 जनवरी को होगी। पहचान छुपाकर दोस्ती की, फिर घर ले जाकर जबरन किया दुष्कर्म। देश की राजधानी दिल्ली में पहचान छुपाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दिल्ली के सरिता विहार में केस दर्ज किया गया है, जिसमें युवती ने आरोप लगाया है कि युवक ने उससे नाम बदलकर दोस्ती की, बाद में उसे अपने साथ ले गया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। संगम विहार के पास थाने में दर्ज की गई इस शिकायत में कहा गया है कि 20 वर्षीय युवक ने नाम बदलकर युवती के साथ दोस्ती की थी। यूपीएसटीएफ ने 2 जालसाजों को किया गिरफ्तार। स्टेट हाईवे अथॉरिटी से उड़ा रहे थे 125 करोड़। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, उन्होंने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी के बैंक खाते में जमा 125 करोड़ रुपए की रकम निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों जालसाज लखनऊ और दिल्ली के रहने वाले हैं। यूपीएसटीएफ अब इस जालसाजी मामले में बैंक कर्मियों की लिप्तता की भी जांच कर रही है। कर्जदारों से पीछा छुड़ाने के लिए कर दिया दोस्त का मर्डर, शव के पास डाल दिए अपने कपड़े। पुणे के पास पिपरी चिचवड़ पुलिस ने एक बहुत ही उलझी हुई हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। दरअसल कर्जदारों से पीछा छुड़ाने के लिए पुणे में एक आदमी ने खुद की ही हत्या का नाटक रच दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने ही दोस्त की हत्या भी कर दी। बता दें कि आमतौर पर लावारिस लाश मिलने के बाद अगर तफ्तीश के दौरान सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस केस बंद कर देती है। पिपरी चिचवड़ के पुलिस आयुक्त ने अपने पुलिस अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके अधिकारियों ने 21 दिन के भीतर ही बहुत ही कठिन हत्या केस सुलझाया और यही नहीं, हत्या के आरोपी को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश में गन्ने के खेत में चल रहा था तमंचे बनाने का ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ने पकड़ा। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अवैध शस्त्र बनाने की ट्रेनिंग देने वाले सेंटर का खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से बने अधबने भारी मात्रा में तमंचे के साथ जिंदा कारतूस और शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। इसके साथ ही तमंचा बनाने वाले ट्रेनर भी गिरफ्तार हुआ है। अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रहरा थाना अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि इलाके के जंगल में गन्ने के खेत के अंदर काफी लंबे समय से कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापा मार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।